Hallelujah. 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 It is so joyful to be in the presence of the Lord. प्रभु की उपस्थिति में होना सच में ये बड़े आनंद की बात है. It is there we are strengthened, we are comforted. यहीं पर तो हमें बल मिलता है और हमें तसल्ली दी जाती है. Hallelujah. Hallelujah. Let us turn our Bibles to Exodus chapter 34 and verse 2 for this morning's meditation. आइए आज सुबह के मनन करने के लिए निर्गमन अध्याय 34 वचन 2 को देखते हैं. Exodus chapter 34 and verse 2. निर्गमन अध्याय 34 वचन 2. So be ready in the morning and come up in the morning to Mount Sinai and present yourself to me there on the top of the mountain. निर्गमन अध्याय 34 वचन 2 पढ़ते हैं. सवेरे तैयार रहना और भोर को सिनै पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़े होना. इस तरह से परमेश्वर ने कहा. The Lord looked at Moses and he said. परमेश्वर ने मूसा की ओर देखकर कहा. You come up early in the morning to Mount Sinai. And there you come and present yourself before my presence. सुबह तैयार रहना और भोर को सिनै पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़े रहना. इस तरह से परमेश्वर ने मूसा से कहा था. In English it says present yourself, but in Tamil it says come and stand before my presence. इंग्लिश में कहता है कि वहाँ पर आना, लेकिन यहाँ पर हिंदी में कहता है मेरे सामने खड़े होना. यहाँ पर बहुत ही सुंदर रीति से ये कहता है कि मेरे सामने खड़े होना. The Lord said, "Come and appear before my presence." प्रभु ने कहा कि तू आकर मेरी उपस्थिति के सामने खड़े हो जाना. इस तरह से कहा. My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, What is this presence of God? परमेश्वर की ये उपस्थिति क्या है? If we are to understand that, अगर हमें ये समझना है, First of all we should know our God is an omnipresent God. तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमारे परमेश्वर तो सर्वव्यापी परमेश्वर है, हर जगह उपस्थित रहते हैं. He is present everywhere. वो तो हर जगह उपस्थित रहने वाले ऐसे परमेश्वर हैं. In Jeremiah 23 and verse 24, यिर्मयाह अध्याय 23 वचन 24 में इस तरह से लिखा है. The Lord said, I fill the heaven and the earth. परमेश्वर कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को मैं परिपूर्ण करता हूँ. No man can hide from my presence. कोई भी मनुष्य मेरी उपस्थिति से छिप नहीं सकता है. If God is everywhere, यदि परमेश्वर हर एक जगह पर उपस्थित है तो then where is this place called the presence of God? तो फिर ये परमेश्वर की उपस्थिति नाम की जगह कहाँ पर है? Here the Lord looks at Moses and he says, यहाँ पर परमेश्वर मूसा की ओर देखकर कहते हैं, Come up to Mount Sinai and stand before my presence. सिनै पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना. इस तरह से कहा. So what presence of God means? What does it mean? तो परमेश्वर की जो उपस्थिति है इसका मतलब क्या होता है? वो क्या है? Presence of God means परमेश्वर की उपस्थिति का अर्थ है the close awareness of His person. उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत ही करीबी रीति से सचेत होना. यही उसकी उपस्थिति है. You are conscious of God is a person and He is near to me. आप इस बात के बारे में सचेत होते हैं कि परमेश्वर एक व्यक्ति हैं और वो तो मेरे बहुत ही करीब में हैं. यही परमेश्वर की उपस्थिति है. And we may feel that closeness to God anywhere and everywhere, and that place becomes the where we go and meet. In the presence of God. देखिए हम परमेश्वर के नज़दीक होने को हर जगह पर महसूस करते हैं और वही जगह है जहाँ पर हम जाकर परमेश्वर की उपस्थिति में उससे मुलाकात करते हैं. और यही तो परमेश्वर की उपस्थिति होती है जहाँ पर परमेश्वर उपस्थित रहते हैं, हमारे बहुत ही करीब में होते, वही परमेश्वर की उपस्थिति होती है. The first person to experience this presence of God is Adam and Eve. पहले व्यक्ति जिन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया था वो तो आदम और हव्वा, यही दो लोग थे. Adam and Eve before they sinned and after they sinned, they filled the presence of God. आदम और हव्वा ने पाप करने के पहले और पाप करने के बाद में भी परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया था, उसे जाना था. Genesis chapter 3 and verse 8 when you read. उत्पत्ति अध्याय 3 और वचन 8 जब आप पढ़ते हैं. And they heard the sound of the Lord walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord among the trees of the garden. तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। यानी आदम और हव्वा ने जब परमेश्वर की आवाज सुनी तो वो छिप गए। कत्तरुडी सन्निधिक्की वेलगी। In English it says from the presence of God. They hid themselves from the presence of God. यहाँ पर उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति से खुद को छिपा लिया। इस तरह एक अनुवाद बताता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, That means in the garden they felt the person God coming down. इसका अर्थ ये है कि वाटिका में उन्होंने परमेश्वर के व्यक्तित्व को वहाँ पर आते हुए महसूस किया था, उसकी उपस्थिति को आते हुए महसूस किया। उन्होंने इस बात को जान लिया। देवन ஒரு நபராய் இறங்கி வருகிறார்। हालेलुया। நீங்க ஒரு நபர், நான் ஒரு நபர், நீங்க ஒரு நபர்। இப்போ நீங்க இங்க இருக்குறத நான் உணர்றேன், நான் இருக்குறத நீங்க உணர்றீங்க। அதே போல when the Lord comes as a person, ஒரு நபராய், when he comes you are conscious of his presence. जब परमेश्वर एक व्यक्ति के रूप में उसकी उपस्थिति आती है तो आप उसकी उपस्थिति के बारे में सचेत हो जाते हैं। So before they sin, they went and welcomed the Lord. तो पाप करने के पहले वो तो जाकर परमेश्वर का स्वागत किया करते थे। But now the same time they feeling the presence of God in the garden, but they withdrew and hid themselves because they sinned. समय उन्होंने परमेश्वर की वही उपस्थिति वाटिका में महसूस की, लेकिन उस उपस्थिति से उन्होंने खुद को छिपा दिया। वो उसकी उपस्थिति से That is why I said presence of God means a conscious awareness of His person. इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति का मतलब ये है कि परमेश्वर वहाँ उपस्थित है, इसके बारे में निरंतर सचेत रहना, उसकी उपस्थिति के बारे में सचेत रहना, यही परमेश्वर की उपस्थिति है। So when we pray, we are not just praying into the sky, somewhere, into nowhere, into the air. इसका मतलब यह है जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम कहीं आसमान में या फिर कहीं और या बिल्कुल शून्य में जाकर प्रार्थना नहीं करते हैं। यह ऐसी बात नहीं। ஏதோ எங்கயோ ஒரு இடத்துல ஏதோ சம்பந்தமில்லாத ஒரு இடத்துல காத்துக்குள்ள கடவுளே, that is not how we pray. हम इस तरह प्रार्थना नहीं करते। When we pray we should have the consciousness that God is a person, he is here, he is listening to me. जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर ये सचेतता होनी चाहिए कि परमेश्वर एक व्यक्ति है और वो यहाँ पर है, उसकी उपस्थिति यहाँ पर है। इस तरह सचेतता हम में होनी चाहिए। Just as you are a person, God is a person, he has a personality, he has emotions, he has intellect. जैसे कि आप एक व्यक्ति हैं, वैसे ही परमेश्वर एक व्यक्ति है, उसके पास व्यक्तित्व है, उसके पास बुद्धिमत्ता ये है, और इसी तरह से परमेश्वर की उपस्थिति है। He is not some empty void, some power with no consciousness. देखिए वो ऐसा कोई शून्य या फिर कोई खाली नहीं है जिसके अंदर कोई सचेतता नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। If you ought to feel the presence of God, अगर आपको परमेश्वर की उपस्थिति महसूस करनी है तो First you should recognize God is a person. तो पहले आपको ये जानना होगा कि परमेश्वर एक व्यक्ति है, तभी उसकी उपस्थिति महसूस करें। हालेलुया। हालेलुया। You may be praying in your room, you will feel his presence. जब आप अपने कमरे में प्रार्थना करेंगे तो उसकी उपस्थिति महसूस करेंगे, उसकी उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे। Sometimes you will feel him come and standing near to you. कई बार आप ये महसूस करेंगे कि उसकी उपस्थिति, वो आपके पास में आकर खड़े हो रहे हैं। Sometimes that presence can be so tangible you can feel it in your flesh also. कई बार उसकी उपस्थिति इतनी महसूस की जाती है कि आप उसे अपने शरीर में भी महसूस कर सकते हैं, उससे समझ सकते हैं। ऐसी उसकी उपस्थिति, That presence can move you, the presence can have an impact in your life. ये उपस्थिति आपको लेकर चल सकती है और ये आपके जीवन के ऊपर प्रभाव डाल सकती है। ये उपस्थिति बिल्कुल इसी तरह से God wants his people to come before his presence. परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग उसकी उपस्थिति में आते चले जाए, उसकी उपस्थिति में। हालेलुया। When you began to feel his presence, जब हम उसकी उपस्थिति को महसूस करना शुरू करते हैं, When you welcome his presence, जब उसकी उपस्थिति का आप स्वागत करते हैं, When you become conscious of his presence, और आप उसकी उपस्थिति के बारे में सचेत हो जाते हैं, It is there a person has a divine encounter with the Lord. तो वहीं पर वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ में एक ईश्वरीय मुलाकात कर लेता है, उससे मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। Today we are going to meditate. आज हम मनन करने वाले हैं। What are the blessing do we receive when we come before the presence of God? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसके सामने आते हैं तो हम कौन सी आशीषों को प्राप्त करते हैं? The first blessing that we receive is, पहली आशीष जो हम उससे पाते हैं, The Lord gives us rest. परमेश्वर हमें विश्राम देते हैं। Exodus chapter 34 and verse 2 says, निर्गमन अध्याय 34 वचन 2 इस तरह से कहता है, As we already read, the Lord looked at Moses and he said, जैसे आपने पढ़ा कि परमेश्वर ने मूसा से Moses be ready in the morning and come up in the morning to Mount Sinai and present yourself to me there on the top of the mountain. मूसा सवेरे तैयार रहना और भोर को सिनाई पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़े होना, इस तरह से परमेश्वर ने मूसा से कहा था। Come to my presence. मूसा तुम मेरी उपस्थिति में आना। In what situation did the Lord say this word? किस परिस्थिति में परमेश्वर ने इन शब्दों को मूसा से कहा था? Moses was a broken-hearted person when the Lord said these words. जब परमेश्वर ने मूसा से इन शब्दों में कहा, उस समय तो मूसा का हृदय पूरी तरह से टूट चुका था। तब परमेश्वर ने मूसा से ये कहा। As we all know that Moses had a great responsibility. जैसे हम सब जानते हैं कि मूसा के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। A responsibility was placed on his shoulder. ये जिम्मेदारी उसके कांधों के ऊपर में रख दी गई थी। He is to lead God's people from Egypt all the way to the promised land. उसे परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करनी थी मिस्र से लेकर प्रतिज्ञा के देश में पहुंच जाने तक। 24 lakhs of Israelites. वहाँ पर लगभग 24 लाख इस्राएली लोग थे। And he has to lead them. और उसे इतने लाखों लोगों की अगुवाई करनी थी। As he led the children of Israel. और जैसे उसने इस्राएली लोगों की अगुवाई की। The Lord performed signs and wonders and miracles before them. और उनके सामने उसने चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत काम किए, बड़े महान महान काम किए थे। Now they came to the foot of the Mount Sinai. अब वो सीनै पर्वत के नीचे पर आप पहुँचे थे। Moses had gone up Mount Sinai to receive the 10 commandments from the Lord. मूसा सीनै पर्वत के ऊपर गया था कि वो परमेश्वर की ओर से 10 आज्ञाओं को प्राप्त कर ले, इसलिए वो तो सीनै पर्वत पर था। 40 days he is fasting in the presence of God. 40 दिन उसने परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास किया था। At the time, what did the children of Israel do at the foothills? और उस समय इस्राएली लोग जो नीचे थे, उन लोगों ने वहाँ पर क्या किया था? They totally forgot all the mighty works the Lord had done for them. उनके लिए परमेश्वर ने कौन से सामर्थी काम किए थे, उन कामों को वो पूरी तरह से भूल गए थे। Psalm 106 and verse 13 says. भजन संहिता 106 वचन 13 ये कहता है। They soon forgot his work and they did not wait for his counsel. परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे। इस तरह से यहाँ पर ये वचन बताता है। Not only that. केवल इतना ही They also forsook the Lord. वो परमेश्वर को भूल भी गए। अवरे मरुदलितार्गल। उसे भूल गए। They forsook the Lord. वो प्रभु को छोड़ दिए थे। And they made for themselves a golden calf. और उन्होंने खुद के लिए सोने का बछड़ा बना लिया था। Instead of giving glory to the Lord who done so many marvelous things for them. इसके बजाय कि इस परमेश्वर को महिमा दे जिसने उनके लिए इतने महान और अद्भुत काम किए थे। They gave that glory to that golden idol, the golden calf. उसके बजाय उन्होंने सोने की मूर्ति यानी सोने के बछड़े की मूर्ति को महिमा दी कि उसी ने हमें छुड़ाया है। கர்த்தருக்கு செலுத்த வேண்டிய அந்த மகிமையை கணத்தை அவர் செய்த மகத்துவமான காரியங்களுக்காக அவருக்கு செய்ய கொடுக்க வேண்டிய கணத்தை ஒரு விக்கிரகமாகிய ஒரு பொன் கண்ணுக்குட்டிக்கு அவர்கள் செலுத்தினார்கள். My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, in Exodus chapter 3 and verse 4, निर्गमन अध्याय 3 वचन 4 में, they called the golden calf as the god of Israel. उन्होंने उस सोने के बछड़े को इस्राएल का परमेश्वर इस तरह से कहा। They said this golden calf only delivered us from the land of Egypt. उन्होंने कहा कि इस सोने के बछड़े ने ही हमें उस मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। This golden calf only performed miracles for us. इस सोने के बछड़े ने ही हमारे लिए इतने सारे चमत्कार किए हैं। Instead of giving glory to the Lord, परमेश्वर को महिमा देने के बजाय उन लोगों ने glory they gave it to an idol. उन्होंने वो महिमा एक मूर्ति को दे दी थी। Moses was not aware of this. मूसा इसके बारे में नहीं जानता था। When he came down from the mountain, और जब वो पहाड़ पर से नीचे उतर आया, bearing the 10 commandments, और वो 10 आज्ञाओं को अपने हाथ में लेकर आया, he saw all the abomination the children of Israel had done before the Lord. उसने देखा कि इस्राएली लोगों ने परमेश्वर के सामने कैसे ये घृणित काम किया है, इसे देखा। मूसा ने इन सारे कामों को देखा। What did he do? और फिर उसने क्या किया? His heart was broken within him. उसका हृदय उसके अंदर पूरी तरह टूट गया था। He smashed and he broke the 10 commandments. उसने उन 10 आज्ञाओं की पटियों को कुचल दिया और उन्हें तोड़ दिया। He was angry with the people. वो तो इस्राएली लोगों के ऊपर में सच में इतना ज्यादा क्रोधित हो गया। And more than that, he feared that the judgment of God is impending upon the people. और उससे भी ज़्यादा वो इस बात से डर गया था कि परमेश्वर का न्याय अब इन लोगों के लिए यहाँ पर है और इन लोगों के ऊपर न्याय आएगा। So with trembling he cried out to the Lord. तो कांपते हुए वो परमेश्वर से ये विनती करने लगा। Lord, these people are stiff-necked people. Soon they have forgotten all the great things you have done, and quickly they have backslid. और उसने कहा, प्रभु ये तो कड़ी गर्दन वाले लोग हैं, ढीठ लोग हैं, इन्होंने तेरे कामों को इतने जल्दी ही भुला दिया है, तेरे महान और अद्भुत कामों को ये इतने जल्दी भूल बैठे हैं। इस तरह उसने कहा, They have gone into backsliding. और ये तो तुझे छोड़कर पीछे हट गए। Lord, show mercy. परमेश्वर इन पर दया कर, ऐसे कहा। The Lord in Exodus chapter 32 and verse 10. निर्गमन अध्याय 32 वचन 10 में हम इस तरह से देखते हैं। The Lord looked at Moses and said, परमेश्वर ने मूसा की ओर देखकर कहा, Leave me alone, allow me to pour out my wrath. अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं। Let me consume this wicked people. जिससे मैं इन दुष्ट लोगों को भस्म कर दूं, ऐसे कहा। Let me make you as a new nation. परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। But at the time, लेकिन उस समय में, Moses as Jesus Christ in the Old Testament, as the shadow of Jesus Christ in the Old Testament. मूसा जो है वो पुराने नियम में यीशु मसीह को दर्शाने वाला था, वो यीशु मसीह की परछाई था। He began to intercede for the people of Israel. और वो इस्राएली लोगों के लिए वहाँ पर मध्यस्थी करने लग गया। Moses is as a Jesus Christ in the Old Testament, as the shadow of Christ. मूसा तो पुराने नियम में यीशु मसीह को दर्शाने वाला था, या कहिए यीशु मसीह की परछाई था, जो उसके बारे में दर्शाता था। And whatever ministry Jesus did, Moses did in the Old Testament. जो भी सेवकाई यीशु मसीह ने की पुराने नियम में, मूसा ने वो सेवकाई की, बिल्कुल वैसी ही सेवकाई की। And one ministry is the interceding ministry. उनमें से एक सेवकाई तो मध्यस्थी करने की सेवकाई है। What is our Lord Jesus Christ doing now? अभी हमारे प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? He is interceding for you and me in the presence of the Father. वो तो पिता की उपस्थिति में आपके और मेरे लिए मध्यस्थी करते चले जा रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. That is why we are not consumed, by the wrath of God. और इसलिए हम परमेश्वर के क्रोध के द्वारा अभी तक भस्म होकर नाश नहीं हुए। So Moses went and interceded for the people. तो मूसा ने जाकर मध्यस्थी की इस्राएली लोगों के लिए, उसने वहाँ पर परमेश्वर के सामने विनती की। In Exodus 32 and verse 31. निर्गमन अध्याय 32 वचन 31 से। He said, Lord, the people have done terrible sin. उसने कहा, परमेश्वर इन लोगों ने सच में बहुत ही भयानक पाप किया है। Yet now please forgive them, Lord. अब तो उनका पाप क्षमा कर, इस तरह विनती। In Deuteronomy 32 and verse 32 he cried out. निर्गमन अध्याय 32 वचन 32 में मूसा ने इस तरह से कहा, Lord, if you would not forgive them, हे परमेश्वर अगर तू उन्हें क्षमा नहीं करेगा, You blot out my name from the book of life. तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे, इस तरह से मूसा ने कहा। And what did the Lord say to Moses? और फिर मूसा से परमेश्वर ने क्या कहा? Look at Moses and said, परमेश्वर ने मूसा से कहा, Moses, for your sake I will not destroy the people. मूसा, मैं तेरे लिए इन लोगों को नाश नहीं करूंगा, इस तरह से उसने। But I will do one thing. लेकिन मैं एक काम करूंगा। Hereafter I will not go in front of the people of Israel. अब से आगे मैं इस्राएली लोगों के आगे आगे नहीं जाऊंगा। I will not go along with them. मैं उनके साथ में नहीं जाऊंगा। But I will do one thing. I will send my angel before them. पर मैं एक काम करूंगा कि मैं अपने स्वर्गदूत को उनके आगे आगे मैं भेजूंगा, इस तरह से। But Moses he did not give up. लेकिन मूसा यहाँ पर हिम्मत नहीं हारा। Exodus 33 and verse 14. निर्गमन अध्याय 33 वचन 14। Again he intercedes with the Lord. यहाँ पर मूसा फिर से परमेश्वर से ये विनती करता है। If your presence would not go before us. यदि तू आप न चले, यानी तेरी उपस्थिति हमारे साथ न चले। Don't move us forward, O Lord. तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। Let your presence go before us. तेरी उपस्थिति हमारे आगे आगे चले। It is at the time the Lord comforted Moses and said. उस समय परमेश्वर ने मूसा को तसल्ली देते हुए इस तरह से कहा, My presence will go before you. मेरी उपस्थिति तेरे आगे चलेगी। I will give you rest. मैं तुझे विश्राम दूंगा। Hallelujah. Hallelujah. Moses, you are crying and crying in my presence. मूसा तुम मेरी उपस्थिति में इतना रोते और रोते चले जा रहे हो। You are so burdened for the people. लोगों के लिए सच में तुम्हारे पास में इतना ज्यादा बोझ है। Day and night you are weeping. दिन और रात तुम रोते चले जा रहे हो। Moses, I will have compassion on you. मूसा मैं तेरे ऊपर में करुणा करूंगा, दया। I have heard your prayers. मैंने तेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। Oh, my presence will go before you. मेरी उपस्थिति तेरे आगे आगे चलेगी। Hallelujah. At first the Lord said, I will not go with these people. पहले तो परमेश्वर ने कहा कि मैं इन लोगों के साथ में नहीं जाऊंगा, मैं इनके आगे आगे नहीं चलूंगा। Instead of me, I will send an angel. मेरे बजाय मैं अपने स्वर्गदूत को भेजूंगा कि इनके आगे। But Moses cried out. लेकिन मूसा पुकार उठा, Lord, your presence must go before us. प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे आगे आगे चलनी चाहिए, ये जरूरी है। Forgive these people. इन लोगों को क्षमा कर। Let your presence go. तेरी उपस्थिति आगे आगे चलेगी। The Lord said, my presence will go, Moses. परमेश्वर ने कहा कि मेरी उपस्थिति तेरे आगे आगे चलेगी। Hallelujah. Hallelujah. I am giving you rest. मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ। I am removing the burden that is in your heart. तुम्हारे हृदय में जो बोझ है उसे मैं दूर कर रहा हूँ। इस तरह परमेश्वर ने उससे कहा। Today in your life also. आज आपके जीवन में भी। Like Moses, you may be burdened with ever so many things. मूसा के जैसे ही आप अपने जीवन में बहुत सी ऐसी बातों के कारण दबे हुए होंगे। You may be burdened about your children. आप शायद अपने बच्चों के लिए बड़े बोझ को रखते होंगे। You may be burdened about the salvation of your family members. आप अपने परिवार के सदस्यों के उद्धार के बारे में बड़े बोझ को रखते होंगे। So many worries may be burdening you. बहुत सी चिंताएं शायद आप को बोझ से भर रही हैं। The needs of your life might have troubled your heart. आपके जीवन की जो जरूरतें हैं उन्होंने आपके दिल को बहुत ही व्याकुल कर दिया। Your family problem and you think it brings so many burdens in your heart. जब आप इन समस्याओं के बारे में सोचते हैं तो आपके दिल में सच में बड़ा बोझ भर जाता है, आप बोझ से दब जाते हैं। You may say in my job there is no rest for me. I am only having mental torture. शायद आप ये कह रहे होंगे मेरे दफ्तर में, मेरे काम में मुझे कोई विश्राम नहीं, मैं दिमागी टॉर्चर में से होकर जा रहा हूं। Oh, you may be crying and weeping because you have backslid from the Lord. आप प्रभु से पीछे हट गए हैं, इसलिए शायद आप रो रहे होंगे, उसे पुकार रहे होंगे, आप उसे पुकारते चले जा रहे हैं। So many burdens may be in your heart. शायद हो सकता है कि आपके हृदय में इस तरह के बहुत से बोझ होंगे। But there is a place where our burdens are removed and we receive rest. लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे बोझ हटा दिए जाते हैं और निश्चय ही हम विश्राम पा सकते हैं। And that is the presence of God. और वही तो परमेश्वर की उपस्थिति है। Hallelujah. Hallelujah. The Lord looks at you and He says. प्रभु आपकी ओर देखकर ये कहते हैं। Come to my presence. तुम मेरी उपस्थिति में आ जाओ। Whatever may be the trouble. तुम्हारी चाहे जो भी परेशानी क्यों ना हो। Oh, whatever may be the problem in your family. चाहे तुम्हारे परिवार में चाहे जो भी परेशानी हो। Whatever may be your worries. चाहे तुम्हारी जो भी चिंताएं हो। When you come to my presence and pour out your heart like Moses. जब मूसा के जैसे मेरी उपस्थिति में तुम आते हो और अपने हृदय को मेरे सामने उंडेल देते हो। Oh, when you cast your burdens upon me. जब तुम अपना बोझ मेरे ऊपर डाल देते हो। I will take care of everything. तो मैं बाकी सारी बातों को देख लूंगा। My presence will go before you. जो उपस्थिति है वो तो तेरे आगे आगे चलती चली जाएगी। I will give you my presence. मैं तुझे अपनी उपस्थिति दूंगा। I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Hallelujah. Hallelujah. Oh, after Moses cried out in the presence of God. जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में उसे पुकारने लग गया, उसके बाद All his burden left him. उसके सारे बोझ उसे छोड़कर चले गए। Oh, such a great joy came into his heart. Rest came into him. उसके हृदय में बड़ा आनंद आ गया, उसके हृदय में बड़ा विश्राम आया। The presence of God went before him. परमेश्वर की उपस्थिति उसके आगे आगे चलने लगी। The Lord did miracles after miracles. परमेश्वर ने बहुत चमत्कारों के ऊपर चमत्कार किए थे। Hallelujah. Today God wants to give you rest. परमेश्वर आज आपको विश्राम देना चाहता है। Secondly, दूसरी बात, in His presence what blessing do we receive? उसकी उपस्थिति में हम कौन सी आशीष प्राप्त करते हैं? The Bible says, बाइबल कहती है, Psalm 16 and verse 11, भजन संहिता 16 वचन 11, In your presence is fullness of joy, and at your right hand are pleasures forevermore. तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। यहाँ पर ये वचन हमें इस तरह से बताता है। Hallelujah. Hallelujah. In your presence there is fullness of joy. तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, ये कहता है। David, he said these words. दाऊद ने इन वचनों में कहा, Because whenever he went through problems in his life, क्योंकि जब भी वो अपने जीवन में समस्याओं में से होकर जा रहा था, उस समय में When you look at the life of David, जब आप दाऊद के जीवन को देखते हैं, he faced ever so many challenges, उसने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया था, so many enemies rose up against him, उसके विरुद्ध में बहुत से शत्रु उठ खड़े हुए थे, उसके विरुद्ध there are people who hated him without a cause, और ऐसे भी लोग थे जो बिना कारण से उससे नफरत किया करते थे, They wanted to kill him. वो उसे मार देना चाहते थे. They wanted to push him aside. वो तो उसे बिल्कुल अलग कर देना चाहते थे, अलग करना चाहते थे. They reproached him before others. दूसरों के सामने उन्होंने उसका अपमान भी किया. So what did this David do? तो फिर इस दाऊद ने क्या किया? In Psalm 6:6 he says. भजन संहिता 6:6 में कहता है. I am weary with my groaning. All night I make my bed swim. I drench my couch with my tears. मैं करहाते करहाते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है. इस तरह दाऊद कहता है. He says, my bed, my pillow itself completely became soaking wet with my tears. वो कहता है, मेरा जो बिस्तर है, मेरी तकिया आंसुओं से भीग जाती है. Night, whole night he would cry. इसका मतलब वो सारी रात रोया करता था. यही अर्थ. Hiding from others, he will weep in silence. और दूसरों से छिपकर वो एकांत में ऐसे रोते रहता था. वो परमेश्वर के सामने रोता था. So much sorrow was in his heart. उसके दिल में सच में इतना ज्यादा दुख था. In Psalm 42:3 he says. भजन संहिता 42:3 में दाऊद कहता है. My tears have become my food day and night. मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं. इस तरह कहता है. In Psalm 56:8 he says. भजन संहिता 56:8 में वो ये कहता है. Looked at the Lord and said. उसने प्रभु की ओर देखकर कहा, You number my wandering. तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है. Put my tears into your bottle, are they not in your book? तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? That means he says, Lord, I'm wandering and wandering in my life. वो कहता है, मैं अपने जीवन में बस यहाँ वहाँ भटकते फिर रहा हूँ. How much I'm wandering, please number it, Lord. और प्रभु मैं कितना भटक रहा हूँ, उसके बारे में तो लिखकर लेखा रख ले प्रभु. You may also be seeing like, you may also say like that. शायद आप भी इसी तरह से कह रहे होंगे. How much I'm wandering to get a good job. अच्छी नौकरी पाने के लिए मैं कितना भटक रहा हूँ, मैं मारे मारे फिर रहा हूँ. How much I'm wandering to get a proper alliance. शादी का सही रिश्ता आने के लिए मैं सच में कितना भटकते जा रहा हूँ. How much I'm wandering to get a house. घर पाने के लिए, खरीदने के लिए मैं कितना मारी मारी फिर रहा हूँ. How much I'm wandering from one hospital to another hospital. मैं एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में कैसे मारी मारी फिर रहा हूँ. कितने तो भी लोग इस तरह से परमेश्वर से कहते हैं. Oh for my business, how much I'm wandering. मैं अपने बिजनेस के लिए इतना मारी मारी फिरते जा रहा हूँ. Still my life is not settled. मेरा जीवन सेटल नहीं हुआ है. Lord, you number my wandering. प्रभु तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब. Then he says, Lord, you collect all my tears in your cup. और कहता है, प्रभु मेरे सारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में जमा करके रख. Collect my tears. मेरे आंसुओं को जमा कर ले. Oh, you put it in the book of your remembrance. और इसे तो अपने स्मरण की किताब में लिख ले. Write it down, O Lord. उसे तो लिख ले प्रभु. Lord, give me comfort, give me joy. प्रभु मुझे आनंद दे, प्रभु मुझे तसल्ली दे दे. David might have gone through so much sorrows. दाऊद ऐसे बहुत से दुख में से होकर गया होगा. But he knows a place where he can find joy. लेकिन वो ऐसी जगह को जानता था जहाँ पर वो आनंद पा सकता था. दाऊद उस जगह को जानता था. He knows a place of comfort and solace. वो तो निश्चित तसल्ली और आनंद की ऐसी जगह को निश्चय ही जानता था. What did he do? उसने क्या किया? He ran to the presence of God. वो परमेश्वर की उपस्थिति की ओर दौड़ते हुए चला गया. In all his sorrows, all his tears, he poured out in the presence of God. और अपने सारे दुख, अपने सारे आंसू उसने परमेश्वर की उपस्थिति में वहाँ पर उंडेल दिया. When he poured out his heart like that, जब उसने अपना हृदय इस तरह से उंडेल दिया, प्रभु की उपस्थिति में उंडेल दिया. The presence of God came upon him. परमेश्वर की उपस्थिति उसके ऊपर आ गई. A supernatural joy came into him. उसके अंदर में वो ईश्वरीय आनंद आ गया. Oh, with great joy he said. और फिर बड़े आनंद से वो कहता है. In your presence there is fullness of joy. तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है. ये कहता है. Lord, I am not happy anywhere. परमेश्वर में और किसी जगह पर इतना आनंदित नहीं. But every time when I come to your presence. लेकिन जब भी मैं तेरी उपस्थिति में आता हूँ, so much joy. इतना भरपूरी का आनंद होता है. This is the only place I am having some rest and joy. केवल इसी जगह पर मैं थोड़ा विश्राम पाता हूँ और मुझे यहाँ पर आनंद मिलता है। In your presence there is fullness of joy. परमेश्वर तेरी उपस्थिति में ही आनंद की भरपूरी है। Today in your life you may be overwhelmed with many sorrows. आज शायद अपने जीवन में आप बहुत से दुखों के दबाव में ऐसे दब गए होंगे। But there is a place where you can find joy. लेकिन एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आप आनंद प्राप्त कर सकते हैं, आपको आनंद मिल सकता है। And that is in the presence of God. और वो तो परमेश्वर की उपस्थिति में ही है। The supernatural joy fills you. और वहाँ पर वो ईश्वरीय अलौकिक आनंद आपको पूरी तरह भर देता है। When the joy comes, और जब ये आनंद आता है, along with that strength also comes, तो उसके साथ में निश्चय ही बल भी आता है। The joy of the Lord is your strength. और यही परमेश्वर का आनंद आपका बल हो जाता है। Hallelujah. Hallelujah. Today you wait in the presence of God. आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में राह देखते रहिए। I have you are burdened with so many sorrows. क्यों अपने बोझ के इतने दुखों में दबे हुए हैं? Oh, there is no place you can get comfort than the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ और आप किसी जगह पर तसल्ली नहीं प्राप्त कर सकते। Hallelujah. Hallelujah. So what manner of joy is he going to give you in his presence? तो अपनी उपस्थिति में वो आपको किस तरह का आनंद देने वाले हैं? वो आपको कैसी खुशी देंगे? Three kinds of joy he wants to give you. वो आपको किस तरह का आनंद देना चाहते हैं? कौन सा आनंद देना चाहते हैं? The first joy he wants to give you is the joy of salvation. सबसे पहला जो आनंद वो आपको देना चाहते हैं वो तो उद्धार का आनंद है। Psalm 51 and verse 12 says, भजन 51 वचन 12 ये कहता है, Restore to me the joy of your salvation and uphold me by your generous spirit. अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल, इस तरह कहता है। Hallelujah. Hallelujah. Here he says, यहाँ पर वो कहता है, Give me the joy, restore unto me the joy of salvation. अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, कहता है। What is this joy of salvation? अब ये उद्धार का हर्ष या आनंद क्या है? My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, When we give our heart to the Lord, जब हम अपना हृदय प्रभु को देते हैं, That time God does a deep thing in our spirit. तब परमेश्वर हमारी आत्मा में गहरा काम करते हैं, वो बहुत ही गहरा काम करते हैं। He fills us with a supernatural joy. वो हमें अपने ईश्वरीय या अलौकिक आनंद से भर देते हैं, वो हमें भर देते हैं। You could not contain it, you could not understand it. आप उसे समझ नहीं सकते हैं, आप उसे जान नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। What manner of joy that is? ये किस तरह का आनंद है? First Peter chapter 1 and verse 8 says, पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 8 कहता है, Whom having not seen you love, though now you do not see him, yet believing, you rejoice with joy inexpressible and full of glory. उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, ये कहता है। इस तरह ये वचन हमें यहाँ पर बताता है। Hallelujah. Hallelujah. That is to say, यानी ये तो इस तरह से कहना है, Although you have not seen Jesus, हालांकि आपने यीशु को नहीं देखा है, Yet you have loved him, लेकिन फिर भी आपने उससे प्रेम किया है, उस पर विश्वास किया है। Even though you have not seen him, हालांकि आपने उसे नहीं देखा है, But yet by faith you have believed him, लेकिन फिर भी विश्वास से उस पर भरोसा किया है। Hallelujah. Hallelujah. Have anyone here seen Jesus physically? क्या यहाँ पर कोई है जिसने यीशु को शारीरिक रूप में देखा है? Most of us might have not seen Jesus physically. हम में से ज्यादातर लोगों ने यीशु को शारीरिक रूप में तो नहीं देखा है। But yet you love him. लेकिन फिर भी आप उससे प्रेम रखते हैं। You say, Lord, I love you. आप कहते हैं, प्रभु मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। How much great is your love? और प्रभु आपका प्रेम सच में कितना महान है। You feel his love. आप उसके प्रेम को महसूस करते हैं। Though you have not seen him, हालांकि आपने उसे नहीं देखा है, Yet you believe that he is there. लेकिन फिर भी आप विश्वास करते हैं कि वो तो वहाँ पर है। Because you have loved and believed even though you have not seen him. हालांकि आपने उसे नहीं देखा है, लेकिन फिर भी आपने उससे प्रेम किया है, विश्वास किया है। You have accepted him in your heart. आपने अपने हृदय में उसे स्वीकार भी किया है। What does the Lord do? तो फिर प्रभु क्या करते हैं? He gives you a joy inexpressible, full of glory. और वो तो आपको ऐसा बयान से बाहर आनंद देते हैं जो कि महिमा से भरा। Hallelujah. This is the joy of salvation. यही तो उद्धार का आनंद है। When I was studying 8th or 9th standard, जब मैं 8वीं या 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था, it is the time when I gave my heart to the Lord. उस समय मैंने अपना हृदय प्रभु को दे दिया, अपना हृदय दिया। That time, the first time I felt the joy of the salvation. और उस समय पहली बार मैंने उद्धार के आनंद को महसूस किया। Oh, for many months I could not understand why I am so joyful. और कई महीनों तक तो मैं ये नहीं समझ पाया कि मैं इतना आनंद से भरा हुआ क्यों हूँ। मैं नहीं समझ पा रहा था कि मैं इतना आनंद से भरा। Joy was bubbling in my heart. मेरे हृदय में तो आनंद बस ऐसे उमड़ते चले जा रहा था। If somebody would speak about Jesus, suddenly the joy will come. अगर कोई यीशु के बारे में कह रहा है तो अचानक मेरे अंदर वो आनंद उमड़ कर आ जाता था। Even if one song I would hear about, you know, the worship song, immediately the joy will bubble forth. अगर एक भी गीत में आराधना का सुनता तो तुरंत वो आनंद मेरे अंदर में उमड़ कर आते चले जाता था। Whenever I pray, the joy would fill me. और जब भी मैं प्रार्थना करता वो आनंद मुझे भर देता था। When I would read the word of God, the joy will fill my heart. जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता था तो तुरंत ही वो आनंद मेरे हृदय को भर दिया करता था। Tears would flow from my eyes. मेरी आंखों से आंसू बहते चले जाते थे। There are times I have now embraced the Bible, kissed the Bible also. और ऐसा भी समय मेरे जीवन में रहा, मैंने बाइबल को गले लगा लिया, मैंने बाइबल को inexpressible joy, full of glory. और ये तो बयान से बाहर आनंद है जो कि महिमा से भरा हुआ आनंद है। This joy God gives to those who love Him and believe Him, even though they don't see Jesus Christ. तो परमेश्वर उन्हें देते हैं जो उसे देखे बिना ही उस पर विश्वास रखते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं और उसकी महिमा करते हैं, उन्हें परमेश्वर। Hallelujah. Hallelujah. But what happens? और फिर क्या होता है? The psalmist says, ये भजनकार कहता है, Restore unto me the joy of salvation. उद्धार का हर्ष या उद्धार का आनंद मुझे फिर से दे, कहता है। That means the psalmist, he had the joy, but somewhere down the line he had lost it. इसका मतलब इस भजनकार के पास में वो आनंद तो था, लेकिन किसी समय किसी तरह से उसने उस आनंद को खो दिया था। वो आनंद अब उसके पास नहीं रहा। Is it possible for us to lose this joy of salvation? क्या ये संभव है कि हम इस उद्धार के आनंद को खो सकते हैं? Yes, there is a possibility. हाँ, निश्चय इसकी संभावना तो होती है। Sometimes when shortcomings come in our life, कई बार जब हमारे जीवन में कोई कमी घटी आती है या ऐसी कुछ बातें आती हैं, and then when the sin comes in our life, और जब हमारे जीवन में पाप आ जाता, you know, disobedience comes. इसी तरह से आज्ञा भंग करना हमारे अंदर आता है। Spiritual lethargicness या फिर आत्मिक आलस्य हमारे अंदर में आ जाता है। As we go into prayerlessness, जैसे हम बिना प्रार्थना के जीवन में चले जाते हैं। Slowly, you know, we become vulnerable to the world and the flesh. तो धीरे-धीरे हम संसार के लिए और शारीरिकता के लिए मानो ऐसे शिकार बन जाते हैं जो कि बहुत ही आसान शिकार है। और हम तो बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं। Slowly the world and the flesh begins to entice you. धीरे-धीरे संसार और शारीरिकता आपको अपने जाल में फंसाती जाती है। Worldly friendship starts coming in. और सांसारिक मित्रता यहाँ पर बीच में आने लगती है। The love for Christ begins to diminish very slowly. और मसीह के लिए जो प्रेम है वो धीरे-धीरे घटते चले जाता है, वो कम होते चले जाता है। But one day you realize, लेकिन एक दिन आप जान लेते हैं, Where is this joy of salvation? उद्धार का ये आनंद कहाँ है? आप इसे ढूंढते हैं। Oh, once I was so joyful to go to the temple of God. और एक समय तो मैं परमेश्वर के भवन में जाने के लिए इतने आनंद से भर जाता था। That day Moses said, "Let us go to the temple of the Lord." The very thought of that brought great joy. जिस दिन दाऊद से किसी ने कहा, "आओ हम परमेश्वर के भवन में चले," तो उसका हृदय तो सच में बड़े आनंद से भर गया था। परमेश्वर के भवन को चले, ये बात सुनकर उसका हृदय तो आनंद से भर गया था। पोम वारंगल सोलुमद किनान मगिलचियां इरुंदेन। I was so glad. वो कहता, मैं सुनकर बहुत ही खुश हो गया। तो ये आनंद अब कहाँ पर है? Where is this joy? ये आनंद अब कहाँ पर है? Now I could not worship the Lord. मैं प्रभु की आराधना नहीं कर पा रहा हूँ। Oh, no longer there is glory in that worship. अब उस आराधना में कोई भी महिमा नहीं रही है। It's just some music, some people singing. और बस ये केवल कुछ संगीत है और कुछ लोग गीत गा रहे हैं, बस इतना ही है। When I read the Bible, और जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, there is no life in it. इसके अंदर कोई जीवन ही नहीं है, इसमें कोई जीवन नहीं है। There is no connection with God. और बाइबल पढ़ते समय मेरा परमेश्वर के साथ में कोई संपर्क नहीं, संबंध नहीं। I'm reading it like a magazine. बस एक मैगजीन के जैसे मैं इसे ऐसे पढ़ते चले जा रहा हूँ, बस किताब के जैसे मैं इसे पढ़ रहा हूँ। Some kind of some historical book. या फिर मानो किसी तरह की कोई ऐतिहासिक किताब पढ़ रहा हूँ, ऐसे लगता है। No divine connection. कोई भी ईश्वरीय संपर्क इसके अंदर में नहीं रहा। If you began to feel like that, अगर आप इस तरह से महसूस करने लग जाते हैं, you have lost the joy of your salvation. आप अपने उद्धार के आनंद को खो चुके हैं। Oh, the Holy Spirit is not moving in you. पवित्र आत्मा अब आप में काम नहीं कर रहा है। Where is that love? Where is that joy? Where is that inexpressible joy full of glory? आनंद कहाँ है? वो प्रेम कहाँ है? जो बयान से बाहर ऐसा जो प्रेम था, आनंद था, वो कहाँ पर है? वो महिमा में आनंद कहाँ पर है? My dear brothers and sisters, प्यारे भाइयों और बहनों, this psalmist he lost it down the line. और ये भजनकार कहीं ना कहीं उसे खो चुका था, ये उसके पास नहीं था। He realized it. उसने इस बात को जान लिया। How did he receive it back? उसने इसे वापस कैसे प्राप्त किया? He went to the presence of. वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया। Cried out to the Lord. और उसने परमेश्वर को वहाँ पर पुकारा। Lord, my sins have accumulated over my head. प्रभु, मेरे पाप तो मेरे सिर के ऊपर ऐसे जमा हो गए हैं। They are too burden for me. मेरे लिए ये बहुत भारी हो चुके हैं, मेरे पाप भारी हो गए। Holy, I went astray from you. धीरे-धीरे प्रभु, मैं तो आपसे पूरी तरह दूर चला गया हूँ। I want to come back to you. मैं आपके पास वापस आना चाहता हूँ परमेश्वर। Wash me, O Lord. मुझे धो दीजिए। Cleanse me, O Lord. मुझे शुद्ध कीजिए। Oh, take away my iniquities. मेरे सारे अधर्मों को आप मुझसे दूर कर दीजिए। Restore unto me the joy of your salvation. उद्धार का आनंद आप मुझे फिर से दीजिए, वो कहता है। Hallelujah. Once again the Lord restored that joy. एक बार फिर से परमेश्वर ने वो आनंद उसे दे दिया, वो हर्ष उसे दे दिया। Oh, the presence of God became such a great joy for. परमेश्वर की उपस्थिति सच में उसके लिए इतने बड़े आनंद की बात फिर से हो गई। He began to say. और फिर वो इस तरह से कहने लगा, those who love the Lord are my friends. जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वही तो मेरे मित्र हैं। The word of God is my delight day and night. परमेश्वर के वचन से ही प्रसन्न होता हूँ, इस तरह से वो कहता है। मैं In His presence there is fullness of joy. उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। Hallelujah. Today have you lost the joy of salvation? आज आप अपने उद्धार का आनंद खो चुके हैं। Go to the presence of God today. तो आज ही परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाइए। He wants to restore that joy to you. और वो चाहते हैं कि वो आनंद आपको फिर से वापस। If you've never experienced this joy. अगर आपने कभी इस उद्धार के आनंद का अनुभव नहीं किया है, इसे महसूस नहीं किया है, Give your heart to the Lord Jesus. तो अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह को दे दीजिए। He wants to restore that joy to you. और वो आपको वो आनंद फिर से देना चाहते, लौटाना चाहते। Hallelujah. Hallelujah. Secondly, he gives you another joy in his presence. दूसरी बात, वो आपको अपनी उपस्थिति में एक और आनंद देना चाहते हैं। It is the joy of the Holy Spirit. और ये तो पवित्र आत्मा का आनंद है। Romans chapter 14 and verse 17 says. रोमियो 14:17 ये कहता है, For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. रोमियो 14:17 ये कहता है, देवनुடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல, அது நீதியும் சமாதானமும் பரிசுத்த ஆவினாலே உண்டாகும் சந்தோஷமாய் இருக்கிறது. ஹalleluya. Hallelujah. It is the joy of the Holy Spirit. ये तो पवित्र आत्मा का आनंद है। What is this joy of the Holy Spirit? ये पवित्र आत्मा का आनंद क्या होता है? ये क्या है? This is also a supernatural joy. ये भी निश्चय ही एक ऐसा ईश्वरीय और अलौकिक आनंद है। Because this joy is not accordance to the situation and circumstances of the world. क्योंकि ये जो आनंद है, ये तो संसार की परिस्थिति और स्थितियों के ऊपर में आधारित नहीं है। Look at the worldly joy. संसार के आनंद को देखिए। It is dependent upon the situation and circumstances. ये तो आधारित होता है परिस्थितियों पर और सारी स्थितियों के ऊपर। When everything is going well. जब सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। When you are earning a lot. जब आप बहुत कुछ अच्छा पैसा कमा रहे हैं। When you have lot of friends. जब आपके बहुत से मित्र हैं। When everything is wonderful in your life. और जब आपके जीवन में सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा है, anyone can be joyful. तब तो हर कोई आनंदित हो सकता है। Anything, even an animal will be very joyful. यहाँ तक कि कोई जानवर जो है वो भी बड़े आनंद से रहेगा। You put some biryani for the dog. अगर आप कुत्ते के सामने बिरयानी डाल के देखिए। Oh, it will wag the tail, अब्बा, it will jump up and down. वो खुशी के मारे पूंछ हिलाते हुए कूदेगा। Because the joy is connected with that biryani. क्योंकि उसका जो आनंद है वो तो उस बिरयानी से जुड़ा हुआ है। You take the biryani and give some rasam sadam for the dog. और उस बिरयानी के बजाय उस कुत्ते को थोड़ा सा चावल और रसम डाल के देखिए। मेरे भाइयों और बहनों, so the worldly joy is connected with the circumstances, situation and so on. संसार का आनंद है, ये तो परिस्थितियों के साथ में, स्थितियों के साथ में जुड़ा हुआ होता है, ये केवल उन्हीं चीजों से जुड़ा होता है. But you know the joy of the Holy Spirit. लेकिन जानते हैं पवित्र आत्मा का जो आनंद है, it is more than all that. लेकिन वो तो इन सभी से बहुत बढ़कर है. Even if there is no, you know, chance for you to be joyful. अगर आपके पास आनंदित होने के लिए कोई मौका ही नहीं है, कोई अवसर ही नहीं. The situation is adverse. सारी परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई है, फिर भी. But yet in the midst of that there is a joy bubbling in your heart. लेकिन उन सभी परिस्थितियों के बीच में आपके हृदय में आनंद उमड़ते चला जाएगा. In the time of the early church, प्रारंभिक कलीसिया के समय में, the disciples when they faced so many persecution, चेलों ने वहाँ पर बहुत से सताव का सामना किया था. But how they were? लेकिन वो कैसे थे? Acts 13:52 says. प्रेरितों के काम अध्याय 13:52 ये कहता है. And the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit. और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते ही गए, कहता है. Hallelujah. Hallelujah. In what situation? किस परिस्थिति में? They are being rejected. जिस परिस्थिति में हमारा इनकार किया जाता है, उस परिस्थिति में. They are driven out. जब हमें निकाल दिया जाता है, खदेड़ा जाता है. They are reproached. और जब उनका तिरस्कार किया गया, They are beaten. उन्हें मारा गया था, पीटा गया था. Oh, they should be very sorrowful. तो उन्हें तो वहाँ पर बहुत ही दुखी होना चाहिए था. But yet in the midst of all of these things, लेकिन इन सारी बातों के बीच में भी, They were filled with joy and the Holy Spirit. वो तो आनंद से और पवित्र आत्मा से भर गए थे, वो इससे भरे. Today you may be facing so many problems. आज हम बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे होंगे. You may have lost your loved one. शायद आप अपने प्रियजनों को खो बैठे होंगे. Oh, so everything may be going upside down. शायद सब कुछ पूरी तरह से उथल पुथल हो गया हो. Like Habakkuk you will say. हबक्कुक के जैसे आप ये कहेंगे. Even if everything fails. चाहे सब कुछ असफल हो जाए, Yet I will rejoice in the Lord my God. लेकिन फिर भी मैं अपने प्रभु परमेश्वर में आनंदित होऊंगा. Hallelujah. Hallelujah. That joy comes through the Holy Spirit. ये आनंद पवित्र आत्मा के द्वारा आता है, ये उसके द्वारा ही आता है. Your mind itself will criticize you. आपका मन आपके ऊपर में दोष लगाएगा. Why are you so joyful? तुम इतने आनंदित क्यों? You should be weeping now. तुम्हें तो अभी इस समय रोना चाहिए. Oh, why are you so full of joy? तुम क्यों इतने आनंद से भरे हुए हो? So that another joy through the Holy Spirit from heaven comes upon you. क्योंकि ये एक अलग आनंद है जो पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्ग से आपके ऊपर में आता है. When the joy comes, जब ये आनंद आता है, every sorrow leaves. तो हर एक शोक दूर हो जाता है. Hallelujah. Hallelujah. Every trouble, you know, you are able to face it. हर एक मुश्किलों का आप सामना कर पाते हैं. The joy becomes your strength. और ये आनंद आपका बल हो जाता है. And the third joy God gives us is. और तीसरा आनंद जो परमेश्वर हमें देते हैं, everlasting joy. वो तो अनंत काल का आनंद है. Isaiah chapter 35:10. यशाया अध्याय 35:10. With everlasting joy on their heads, they shall obtain joy and gladness. The sorrow and sighing shall flee away. यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा. वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा. इस तरह कहता है. Hallelujah. Hallelujah. God gives an everlasting joy. परमेश्वर तो ये तो अनंत काल का आनंद है. It's not a temporary joy. ये कुछ समय का आनंद नहीं है. An everlasting joy. ये तो सदा का आनंद है. And when the joy comes, और जब ये आनंद आता है, every sorrow and sighing that is within you, that will flee away. तो जो भी शोक और लंबी सांस का लेना है, वो सब कुछ दूर हो जाएगा. ओडी पोगो. वो दूर हो जाएगा. Hallelujah. Hallelujah. इंदा मगेची उल्ल वंदरिचना. जब ये आनंद आप में आएगा, oh, in your heart there may be so many troubles, so many worries. अयो इन्ना आगमो that and this and you'll be so worried. आपके हृदय में आप बहुत ही परेशान होंगे कि अब मैं क्या करूं, अब मैं ये करूं या वो करूं, इस तरह परेशान होंगे. उस समय में, When the joy comes, all these worries will flee away. तो जब वो आनंद आएगा तो ये सारी जो चिंताएं हैं सब दूर हो जाएंगी, ये सारे शोक दूर हो जाएंगे. I remember a testimony. मुझे गवाही याद आती है. Once a brother many years before wanted to come to Tirupattur fasting prayer. एक भाई कई साल पहले तिरुपत्तुर की प्रार्थना सभा में, उपवास प्रार्थना में आना चाहते थे. But he was so afraid to apply for leave because his boss is a very, you know, rough and tough man. और वो तो छुट्टी के लिए अप्लाई करने से बहुत डर रहे थे क्योंकि उनके बॉस तो बहुत ही कठोर व्यक्ति थे. वो बहुत कठोर व्यक्ति थे, वो छुट्टी देने वाले व्यक्ति नहीं थे, इसलिए डर रहे थे. And this boss he will give holiday, you know, if for every other thing except for these religious things. और ये जो बॉस थे बाकी सारी बातों के लिए छुट्टी दे देते थे, लेकिन धार्मिक बातों के लिए नहीं देते थे। किसी भी तरह से धार्मिक बातों के लिए वो कभी छुट्टी नहीं देते थे। He hates that. वो उससे नफरत करते थे। So if you would go and say I'm going out with my family or I need one week leave, immediately will sanction. Allah कोई संतोष में रहा पॉइंट बा तंबी भाई, he will say like that. अगर आप उनसे कहें मैं अपने परिवार के साथ में छुट्टी पर जा रहा हूं, आप मुझे छुट्टी दीजिए, तुरंत कह देते हैं। I want to go to Thailand, I want to go to Malaysia for a tour. Okay, sanction. मुझे थाईलैंड जाना है, मलेशिया जाना है टूर के लिए, तो ठीक है, सैंक्शन कर देते थे। I'm going for fasting prayer. मैं उपवास प्रार्थना के लिए जाना चाहता हूँ। You look up and down. वो तो ऊपर से नीचे तक देखते थे। Foolish fellow. मूर्ख आदमी। Waste of time. समय बर्बाद कर रही हो। Why you want to go there? तुम वहाँ पर क्यों जाना चाहते हो? This I will not give. मैं इसके लिए तुम्हें छुट्टी नहीं दूंगा। One day he was so eager to come to the fasting prayer. एक दिन वो उपवास प्रार्थना में आने के लिए बहुत ही बेताब थे, वो आना चाहते थे। So he said, sir, I will go. उन्होंने कहा कि सर मैं इस उपवास प्रार्थना में जाऊंगा। And that boss looked at him and said, तो उस बॉस ने उनकी ओर देखकर कहा, You write the leave letter and keep in my desk. तुम अपना लीव लेटर लिखकर मेरे डेस्क के ऊपर रख दो। Consider that this is the last day for you. तब ये समझ लेना कि ये तुम्हारे लिए बिल्कुल आखिरी दिन है इस ऑफिस में। After that don't come to office. उसके बाद में ऑफिस में नहीं आना। So he didn't know what to do. और वो नहीं जानते थे कि अब क्या करूं। Oh, he was whether should I go to the presence of God and spend my time there. क्या मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊं और वहां पर अपना समय बिताऊं? Please 4 days I need leave. मुझे बस 4 दिन की छुट्टी चाहिए। What should I do? तो अब मैं क्या करूं? One day he, you know, strengthened himself. एक दिन उन्होंने खुद को हिम्मत दी और वो वहाँ पर गए। He wrote the letter, leave letter. उन्होंने लीव लेटर लिखा। And he gave it to the assistant. उन्होंने लीव लेटर लिखकर बॉस के असिस्टेंट को दे दिया। And he said, please give it to the boss. कहा प्लीज इसे बॉस को दे दीजिए। He didn't care. He just packed his bag and he left for the meeting. उन्होंने कोई चिंता नहीं की, अपना सामान पैक किया और उपवास प्रार्थना में चले गए। Ready आई कलम तैयार होकर वो उपवास प्रार्थना की सभा के लिए चले गए। First day no problem. पहले दिन कोई समस्या नहीं थी। He was rejoicing in the presence of God. वो तो परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मना रहे थे। Second day also no problem. दूसरे दिन भी कोई भी समस्या नहीं हुई थी। Third day, और जैसे तीसरा दिन शुरू हुआ, something is pressing his heart. कुछ बात उसके दिल के ऊपर जोर देने लग गई थी। What is going to happen now? अब मेरा क्या होने वाला है? If I go to office, what is going to happen now? अब मैं ऑफिस में जाऊंगा तो फिर वहाँ पर क्या होगा? मेरी नौकरी रहेगी या नहीं? What scolding I'm going to get? मुझे वहाँ पर कितना डांटा जाएगा? All kinds of sanjalam and vartham was in his heart. और हर तरह के संदेह और डर उनके जीवन में इस तरह से आने लगे। All the sorrow and sighing was in his heart. उनके हृदय में सारा शोक और ये बड़ी सांस लेना। And on the way itself he is crying out towards the end of the meeting. और मीटिंग के अंत में रास्ते में आते समय वो वहाँ पर रोने लग गए थे। Lord, I don't know, I have no peace, I have no joy. प्रभु मेरे पास कोई शांति नहीं, कोई आनंद नहीं है। At that time, और उस समय में the Lord filled him with his joy. परमेश्वर ने उन्हें अपने आनंद से भर दिया। Suddenly all the worries from nowhere it flooded. और अचानक सारी जो चिंताएं पता नहीं कहाँ चली गई, दूर हो गई, गायब हो गई। An assurance came, God will take care of everything. और शाश्वती आ गई कि परमेश्वर सारी बातों को देख लेंगे, संभाल लेंगे। With that expectation he went. और उसी अपेक्षा के साथ में वो वहाँ पर गए। Next day he went to the office. और अगले दिन जब वो ऑफिस में गए। And he said when the sir will come. और सोचा पता नहीं बॉस कब वापस आएंगे। And he बार-बार कहता रहे। पता नहीं आकर क्या करेंगे। और उसने कहा। Boss, they transferred him. उस बॉस का ट्रांसफर हो चुका था। Oh, he was so happy. वो बहुत ही खुश हो गए। Another new boss was waiting there. वहाँ पर नया बॉस उनका इंतजार कर रहा था। And he gave a big shake and said. और उस नए बॉस ने इनसे हाथ मिलाकर कहा। I heard good things about you. मैंने तुम्हारे बारे में अच्छी बातें सुनी हैं। And so happy to have you back in the job. और इस नौकरी पे आप हैं इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। So my brothers and sisters. इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। You will be worrying about so many things. आप बहुत सी बातों के बारे में चिंता करते होंगे। What will happen here? What will happen this? Will the visa come or not? Will I get this house or not? Will this loan sanction or not? So many worries and anxiety. इसका क्या होगा? उसका क्या होगा? वीसा मिलेगा या नहीं? मुझे घर मिलेगा नहीं? ऐसी बहुत सी चिंताएं होती हैं और बहुत से ऐसी बातें होती हैं। And you may be worried. और आप शायद चिंतित होंगे। You come to the presence of God. आप परमेश्वर की उपस्थिति में आइए। Oh, when you rejoice. और जब आप आनंद मनाएंगे। The presence of the Lord, there is fullness of joy. तो परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी। हालेलुया। हालेलुया। When the joy comes into you, जब वो आनंद आप में आ जाता है, all your sorrow and sighing will flee away. तो आपका सारा शोक और जो लंबी सांसें लेना है वो दूर हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। हालेलुया। Because God would have done everything for you. परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ कर दिया होगा. परमेश्वर कर दिया. His presence will go before you and make every crooked path straight. उसकी उपस्थिति आपके आगे आगे जाएंगी और हर एक टेढ़े मेढ़े मार्गों को वो सीधा कर. Hallelujah. He will flatten every mountains that stand before you. आपके सामने जितने भी पहाड़ हैं उन सभी को वो समतल भूमि में बदल देंगे. Hallelujah. एल्लाम पर्वतंगल समभूमि आकी पोड़ुवार. वो आपके सामने के पर्वतों को समतल भूमि में. His presence will go before you. उसकी उपस्थिति आपके आगे आगे चलेगी. Breaking every hindrances. हर एक रुकावटों को वो तोड़ती चली जाएगी. When you go there, जब आप वहाँ पर जाएंगे, before you see the miracle, इसके पहले कि आप चमत्कार को देखें, sorrow and sighing the first thing that would have left you. और जो लंबी सांसें लेना है वो तो आपसे सबसे पहले दूर हो जाएंगी. Hallelujah. The moment when you know sorrow and sighing has packed its bag and left. आप जाकर देखेंगे तो शोक और जो लंबी सांसें लेना है वो अपना बैग पैक करके चले गए हैं. You will know God had already done a miracle for you. आप जानेंगे कि परमेश्वर ने आपके लिए पहले ही वहाँ पर चमत्कार कर दिया है. Hallelujah. That is why most of the time before the miracle a joy will come into us and we will be praising the Lord. और बहुत बार ऐसा होता है कि चमत्कार के पहले हम में आनंद आता है और हम परमेश्वर की स्तुति करते चले जाते हैं. बस परमेश्वर को धन्यवाद देते जाते हैं. Hallelujah. It's a wonderful sister, Sister Velangani, and she is the one who takes Clement sister, she takes a Sunday class for us. एक बहन है सिस्टर क्लेमेंट, वो संडे स्कूल में हमारी मदद करती हैं. So her husband Velangani was brother Velangani was very sick. और उनके जो पति थे Velangani बहुत ही बीमार थे. A stroke came and he had lost his consciousness. उन पर लकवे का अटैक हुआ और वो बिल्कुल बेहोश हो गए थे. So when they told the news, तब जब उन्होंने मुझे ये खबर बताई, this great burden came into me. तो मेरे ऊपर बड़ा बोझ आ गया. All the afternoon I could not eat. दोपहर भर मैं कुछ भी नहीं खा सका. All throughout the evening I was weeping and crying. और पूरी शाम के समय तक मैं रो रहा था, आंसू बहा रहा था. In the presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में. And I went to the hospital. मैं हॉस्पिटल में गया. When I got permission to see him in the ICU ward. और मुझे अनुमति दी गई कि ICU में मैं जाकर उनसे मिलूं. There I cannot go loudly shout and pray. और मैं वहाँ पर जोर से चिल्लाकर प्रार्थना नहीं कर सकता. In my heart crying and praying for him. मैं अपने हृदय में रोते हुए आंसू बहाते हुए उनके लिए प्रार्थना कर रहा था. While coming back still that burden was there. और वापस आते समय अभी भी वो बोझ मुझ पर था. All throughout from the hospital to home full of tears. हॉस्पिटल से घर वापस आते समय मैं तो आंसुओं से भर गया था. And again I could not rest. और फिर भी मैं वहाँ पर चैन से बैठ नहीं पाया. The burden was so much. और वो जो बोझ था वो इतना ज़्यादा था. Again knelt down by the bedside. मैं बेड के बाजू में वहाँ पर घुटनों पर आ गया. मैं बेड के बाजू में pleading with the Lord. प्रभु से मैं विनती करने लग गया. But during the prayer, लेकिन उस प्रार्थना के समय में suddenly from nowhere a joy came. अचानक पता नहीं कहाँ से बड़ा आनंद आ गया. अचानक मेरे हृदय में पता नहीं कहाँ से वो आनंद आ गया. I could not kneel and pray anymore. और फिर मैं घुटनों पर आकर प्रार्थना नहीं कर रहा था. Instead I got up and I began to jump like a fool. लेकिन उसके बजाय मैं उठकर खड़ा हो गया और एक मूर्ख के जैसे मैं कूद कर. मुट्टाल पोल गुदित्तुकोंडिरुंदेन. My wife looked at me and asked me. मेरी पत्नी ने मेरी ओर देखकर मुझसे Afternoon you didn't eat. दोपहर में आपने खाना नहीं खाया. You are lying on the dining table and you are weeping. आप डाइनिंग टेबल पर अपना सिर ऐसे रखकर वहाँ पर रो रहे थे. अभी क्या हो गया? Then your bedside you are weeping. बेड के बाजू में भी आकर आप यहाँ पर रो रहे थे. Now what happened? Now you are jumping like a fool. लेकिन अब क्या हो गया कि आप मूर्ख के जैसे. I said I do not know. मैंने कहा मुझे पता नहीं. Some joy is filling me. कोई आनंद है जो मुझे भर रहा है. I think God had done some miracle. मैं सोचता हूँ परमेश्वर ने कोई चमत्कार किया है. So I called brother Stephen, our pastor Stephen. तो मैंने पास्टर स्टीफन को भाई को फोन किया. Asked what happened to brother Velangani? I don't know. I feel so much joy now. मैंने पूछा हमारे भाई Velangani को क्या हुआ है. मैं बड़ा आनंद महसूस कर पा रहा हूँ. He said I will call and I will tell you brother. उन्होंने कहा मैं फोन करके आपको बताता हूँ. He called back and he said. उन्होंने मुझे फिर वापस फोन किया और कहा. No, they are going to transfer him to Apollo Hospital. They have to do a surgery. अभी वो उन्हें अपोलो हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं और उनकी सर्जरी की जाएगी. But I told, I said to him. लेकिन मैंने उनसे कहा. No, no, no. I feel the joy in my heart. नहीं नहीं, मैं अपने हृदय में आनंद महसूस कर पा रहा हूँ. Inexpressible joy is flooding my heart. बयान से बाहर आनंद मेरे हृदय में उमड़ रहा है. ऐसे कहा. Brother, he is all right. भाई वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं. I know he is all right. मैं जानता हूं कि वो पूरी तरह ठीक है। Because that is the confirmation is the joy of the Holy Spirit is filling me. क्योंकि ये तो कन्फर्मेशन है, शाश्वती है, पवित्र आत्मा का आनंद मुझे भर रहा है, ये उसका चिन्ह है कि यही मेरे लिए खुशी की बात है। So after one day, और फिर एक दिन के बाद में, he again called and he said, उन्होंने फिर से मुझे फोन किया और मुझसे कहा, Brother Velankani is doing well. भाई वेलंकनी अभी सब बिल्कुल ठीक है। Suddenly he gained consciousness. अचानक वो होश में आ गए हैं। And he sat in the chair. और वो चेयर पर अच्छे से डॉक्टर्स आर पजल्ड, डॉक्टर भी इस बात को देखकर हैरान हो गए। We'll keep him in the observation. उन्होंने कहा हम केवल इसे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। इस तरह से कहा हम एक दो दिन इन्हें अच्छे से निगरानी में रखेंगे। हम उन्हें ऑब्जर्वेशन में बस रखेंगे। और उन्होंने उसके अंदर कुछ भी गलत नहीं पाया, कुछ भी परेशानी नहीं पाई। उन्होंने कहा आप अभी जा सकते हैं। बिफोर दैट संजलम वाडिये पोच। उसके पहले देखिए जो शोक है, लंबी सांसें। हालेलुया। That is why you should go to the presence of God. इसलिए आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। Oh, when you cry out there. जब आप वहाँ पर पुकारते हैं, उस समय पुकारते हैं। I'm not telling we have burden. Everyone gets burden. मैं ये नहीं कह रहा कि हम पर कोई बोझ नहीं होगा, सभी पर बोझ आता है। We all feel helpless. हम सब लोग अपने जीवन में कभी न कभी असहाय महसूस करते हैं। We all face uncertainty. हम सब अनिश्चितता का सामना करते हैं। We all face crisis. हम सब अपने जीवन में संकटों का सामना करते हैं। We are all only human. By our power we can do nothing. हम तो केवल मनुष्य हैं, हम अपनी सामर्थ्य में कुछ भी नहीं कर सकते, अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकते। But I tell you, there is a presence of God where you can go and you can pour out your heart and receive rest. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति, आप वहाँ पर जाकर अपने हृदय को उंडेल सकते हैं और आप विश्राम। You can receive your joy there. आप वहाँ पर अपना आनंद प्राप्त कर सकते हैं। When the joy fills your heart. जब वो आनंद आपके हृदय को भर देता है। When every sighing and worry flees. जब हर एक शोक और लंबी सांसें लेना दूर हो जाता है। When the joy of the salvation fills you. जब वो उद्धार का आनंद आपको भर देता है। You know you are right with God. आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के साथ में बिल्कुल सही है, आप परमेश्वर के साथ में। All the burden of sin will leave you. तो सारा बोझ और सारे पाप आपको छोड़कर दूर हो जाते हैं। Confidently you look at the Lord and you will say. बड़े भरोसे से आप परमेश्वर की ओर देखकर ये कहते हैं। Father, you will call him. हे पिता, इस तरह से आप उसे पुकारेंगे, आप उसे कहेंगे। His love will come and fill your heart. उसका प्रेम आकर आपको भर देगा। Lord Jesus, you will cry out. प्रभु यीशु, इस तरह से आप उसे पुकारेंगे। You will feel his presence surrounding you. आप अपने आसपास उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। Lord help me, you will cry out. आप कहेंगे प्रभु मेरी मदद कीजिए। His joy will come and fill your heart. उसका आनंद आकर आपको पूरी तरह भर देगा। Sorrow and sighing will flee away. और शोक और जो लंबी सांसें लेना है दूर हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। Let us go near to his presence. आइए हम उसकी उपस्थिति के पास जाएं। हालेलुया। Shall we all stand up to our feet? आइए हम सब अपने पैरों पर खड़े हो जाएं।